अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेगरेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है आली मकाम बाय रिहाब। 200 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉल किस टाइप की है। अल रिहाब एक सऊदी अरेबियन बेस्ड बेस्ट सेलर और इकोनॉमिकल फ्रेगरेंस हाउस है, जो कि 1975 से परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेगरेंसेस पे काम कर रहे हैं। और इस हाउस में आपको 200 रुपए के अतर से लेकर 20 से 25,000 रुपए तक की फ्रेगरेंसेस देखने को मिलेंगी। और ये हाउस लो प्राइसेस में रहते हुए काफी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेस पे काम कर रहे हैं। और मेरे पास भी इस हाउस की अब तक जितनी भी फ्रेगरेंसेस मौजूद है उन तमाम ने मुझे प्राइस में रहते हुए एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। और ये हाउस अब इतना कॉमन हो चुका है कि शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें अल रिहाब के परफ्यूम ऑयल, अत्तर, एयर फ्रेशनर या एक आध फ्रेगरेंस ना हो। अल रिहाब का मतलब होता है ओपन माइंडेड और ये एक मुस्लिम गर्ल नेम भी है और इजिप्ट या मिस्र के एक प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है। और आली मकाम अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑन हायर ग्राउंड, आला मकाम, ऊंचा मकाम या स्टेटस। ओके, सो हियर इज द बॉटल। वैसे तो ये हाउस हमेशा से एक एवरेज प्रेजेंटेशन देता आ रहा है, मगर इस बार इन्होंने प्रेजेंटेशन पे भी काफी अच्छा काम किया है। एक थिक ग्लास की ट्रांसपेरेंट बॉटल है जो की 200 ml होने की वजह से हाइट में भी काफी बड़ी है। बॉटल की नेक प्लास्टिक की है जिसपे खूबसूरत पैटर्न्स बने हुए हैं। बॉटल के फ्रंट पर इंग्लिश और अरेबिक में आली मकाम प्रिंटेड है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक लाइट टू नॉर्मल वेट प्लास्टिक का कैप है इसका, जो कि बॉटल को काफी खूबसूरत और रॉयल लुक देता है। कैप स्ट्रॉन्ग स्नग फिट है, मगर बॉटल 200 ml होने की वजह से काफी हैवी है, सो कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेगरेंसेज हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और मैंने अब तक इस हाउस की काफी फ्रेगरेंसेज और परफ्यूम ऑयल्स के रिव्यू शेयर किए हैं, जो कि आपको इस चैनल पर अल रिहाब की एक प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की जितने भी फ्रेगरेंसेज के रिव्यू शेयर करूंगा वो तमाम आपको इस चैनल पर अल रिहाब की एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में इटालियन बर्गमॉट, पिंक पेपर और पाइनएप्पल है। मिडिल नोट्स में जिरेनियम, रोजमेरी, ईलैंग ईलैंग और ऑस्मेंथस है। और बेस नोट्स में हाइटियन वेटिवर, इंडोनेशियन पचुली, एम्बर और मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको एक सिट्रसी और बिटर बर्गमॉट के नोट के साथ हल्के से मिंट, पिंक पेपर, ग्रीन नोट्स और स्ट्रॉन्ग सैफ्रॉन के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेगरेंस और भी ज्यादा स्मोकी और अट्रैक्टिव हो जाती है। और इस फेज में आपको स्वीट और स्ट्रॉन्ग सैफ्रॉन के नोट के साथ रेसबेरी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सटल से लेदर, फ्लोरल नोट्स, पचुली और वुडी नोट्स फील होंगे। 2 से 3 घंटों के बाद जब इसका डाउन स्टार्ट होगा तो इसके डाउन आने तक आपको सैफ्रॉन के नोट के साथ हल्के से फ्लोरल नोट्स, लेदर, ना होने के बराबर ऊद, पचुली, मस्की और वुडी नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेगरेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, फ्लोरल, स्पाइसी, वुडी, लेदरी, स्मोकी और मस्की फ्रेगरेंस है। आजकल कोई भी फ्रेगरेंस हाउस, चाहे जे डॉट हो, बोनेंजा या लेवर्न, इन दिनों ये ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी फ्रेगरेंस के या तो बेसिक नोट्स मेंशन किए जाते हैं या फिर ऐसे नोट्स बताए जाते हैं जिन्हें एक आम बंदे के लिए समझना काफी मुश्किल हो जाता है। इवन कि इन फ्रेगरेंसेस के मेजर नोट्स भी छुपाए जाते हैं ताकि आप टेस्ट करने से पहले समझ ही ना पाएं कि ये किस टाइप की फ्रेगरेंस है। सो ये हमारी याददाश्त और नंबर ऑफ फ्रेगरेंसेस एक्सप्लोर करने पर डिपेंड करता है कि हम उस फ्रेगरेंस को पकड़ पाते हैं या नहीं। मगर इस खुशबू से मेरी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हैं और ये उसी DNA की फ्रेगरेंस है जिसने इस चैनल को इस काबिल बनाया कि आज आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। एज की बात कर लेते हैं। ये एक लग्जोरियस और मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेगरेंस है जिसे आप डे एंड नाइट कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 5 से 7 स्प्रे वेयर करने पर 1.5 से 2 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन और 7 से 8 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस रेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 200 ml की प्राइस 9,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेगरेंस को एक नाम देना हो तो मैं लग्जरी ना बजट नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 out of 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 out of 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 out of 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 out of 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9.5 out of 10। और अब बात कर लेते हैं कि ये फ्रेगरेंस किससे सिमिलर या किससे इंस्पायर्ड है। सो ये फ्रेगरेंस 70-80% इंपीरियल वैली बाय गिसा से सिमिलर है। इवन की इसकी बॉटल की लुक्स को भी इंपीरियल वैली बाय गिसा की तरह बनाया गया है, मगर वो फ्रेगरेंस प्राइस में इससे 2.5 से 3 गुना महंगी है। और इस सेम DNA में वाइट कोल बाय असाफ, ब्लू लेवन बखूर और रीफ 33 ब्लैक भी शामिल है, जिनके रिव्यूज इस चैनल पर मैं बहुत पहले शेयर कर चुका हूं। अब अगर 1 by 1 इसे वाइल्ड कोल्ड बाय असाफ, ब्लू लेवन बखूर और रीफ 33 ब्लैक के साथ कंपेयर किया जाए तो वाइल्ड कोल्ड बाय असाफ की निस्बत इस फ्रेगरेंस में स्वीट और मिंटी एलिमेंट थोड़ा सा कम है, ब्लू लेवन बखूर की निस्बत ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी कम स्मोकी है और रीफ
33 की निस्बत इसमें लेदर का नोट थोड़ा सा ज्यादा है। सो आप ये कह सकते हैं कि ये फ्रेगरेंस इंपीरियल वैली बाय गिसा या वाइल्ड कोल्ड बाय असाफ का छोटा भाई है, जो कि कद में अपने बड़े भाई के ही बराबर है। सो आप में से वो फ्रेंड्स जिनके लिए वाइल्ड कोल्ड बाय असाफ या इंपीरियल वैली बाय गिसा बजट में थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, या जो फ्रेंड्स एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन में इस डीएनए की फ्रेगरेंस लेना चाहते हैं, तो वो इस फ्रेगरेंस को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये इस डीएनए की अब तक की सबसे सस्ती फ्रेगरेंस है जिसमें प्रेजेंटेशन के साथ साथ क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। लेकिन अगर आपके पास वाइल्ड कोल्ड बाय असाफ, ब्लू लेमन बखूर या रीफ 33 पहले से मौजूद है, तो आपको इस फ्रेगरेंस में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।